पानी का विभाग, बिजली का विभाग, उसके आगे वो भी नहीं, उसको भी याद नहीं रहने वाला है। तो इस तरह का एक मुख्यमंत्री बनाया गया। और जिस तरह से नाम ही हमें मालूम नहीं उसका, हम सभी हम तो गाड़ी में आ रहे थे तो भजनलाल, नहीं भजनलाल तो है अभी मालूम पड़ा है भजनलाल। आज आप बता दो मुझे किसको मालूम था भजनलाल भी कोई एमएलए है क्या? दो घंटे पहले आपको नाम नहीं सुना होगा। भजनलाल जाटव को तो जानते हैं जो पीडब्ल्यूडी मंत्री था, हमारे लखतवे क्षेत्र का एमएलए था, लेकिन ये भजनलाल को कोई नहीं जानता। ये भजन ही कर रहा होगा शायद मोदी जी के सामने, इसलिए इसको कुछ ना कुछ मिल गया होगा। लेकिन तो ये आप सोचिए कि ऐसे लोगों को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो क्या काम करेगा मुख्यमंत्री? ऐसे प्रधानमंत्री जिसने 5 साल में 10 साल के अंदर जिस तरह की लूट मचाई है, जिस तरह का काम कराया, उसके बारे में मुझे मैं कहने की जरूरत नहीं है। आप सबों ने सारे मुद्दे आप सब जानते हैं। तो इसलिए अगले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही हमें तैयारी करनी चाहिए। और किस तरह से हम लोकसभा जीतेंगे ये एक आपको जवाब अब देना पड़ेगा। ये एक तरह से आपके लिए चैलेंज हो गया। हम थोड़े से वोट से पीछे रहे हैं और अब जवाब अपन को देना पड़ेगा। अभी से ही हमें वापस बूथों पे जाना पड़ेगा। आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। मैं 3 बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको विश्लेषण करने की जरूरत है कहाँ हमारी कमजोरी रही। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जो भी